दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए सुपरहिट मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। आरसीबी और राजस्थान के बीच का ये रोमांचक मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। केकेआर हैदराबाद, गुजरात और पंजाब को लग गया है बड़ा झटका। आईपीएल 2024 का नया पॉइंट्स टेबल जारी हो चुका है। इस पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम कितने नंबर पर है। आईपीएल 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट्स टेबल आप सभी को बताएंगे, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम टॉप फोर में अपनी जगह पक्की करे, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं किस टीम के फैंस सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, विराट कोहली की टीम आरसीबी और संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल के बीच सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में बहुत रोमांचक महामुकाबला खेला गया। दोनों ही टीमों के मध्य में करारी टक्कर हुई। राजस्थान और आरसीबी के बीच धमाकेदार मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है, तो आइए दोस्तों, अब आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर यानी कि बॉटम में हार्दिक पांड्या की टीम मुंबई इंडियंस है। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई 3 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें उन्हें तीनों में ही शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। हार्दिक की कप्तानी पर अब सवाल उठने लगे हैं। हार्दिक की कप्तानी अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है अगर वे आने वाले मुकाबले में जीत नहीं हासिल कर पाते हैं। मुंबई के लिए एक खुशखबरी है कि उनके सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में वापसी करने जा रहे हैं। मुंबई की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही यूनिट में बाकी टीमों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन उनका यह सीजन बहुत खराब चल रहा है। मुंबई की टीम 3 में से 3 मुकाबले हारने की वजह से 0 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और इस समय इनका नेट रन रेट -1.42 है। जबकि दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल मौजूद है। आपको बता दें, आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी तक 4 मुकाबले में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्हें मात्र 1 मुकाबले में जीत मिली है। बाकी के 3 मैच में उन्हें हार झेलनी पड़ी है। कप्तान ऋषभ पंत काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम फिर भी मुकाबला नहीं जीत पा रही है। दिल्ली कैपिटल की टीम 4 में से 1 मुकाबला जीतने के साथ 2 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है और इस समय दिल्ली कैपिटल का नेट रन रेट -1.34 है। जबकि दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर विराट कोहली की टीम आरसीबी मौजूद है फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी में। आरसीबी की टीम आईपीएल के इस सीजन में अभी तक टोटल 5 मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिनमें उन्हें सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। बाकी के 4 मुकाबले में उन्हें हार झेलनी पड़ी है। आपको बता दें, आरसीबी की टीम 5 में से 1 मुकाबला जीतने के साथ पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स के साथ 8वें पायदान पर मौजूद है और इस समय इनका नेट रन रेट -0.67 है। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। आपको बता दें, शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात की टीम अभी तक टोटल 4 मुकाबले खेल चुकी है। शुभमन गिल की शानदार कैप्टनसी में गुजरात को 2 मुकाबले में जीत मिली है और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले साल की तरह इस साल भी गुजरात की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, प्लेऑफ के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स के साथ 7वें पायदान पर है और इस समय इनका नेट रन रेट -0.58 है। तो वहीं पर दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। शिखर धवन के नेतृत्व में पंजाब की टीम 4 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पंजाब की टीम 2 मुकाबले में जीत हासिल की और 2 मुकाबले में हार का सामना किया है। शिखर धवन अपनी टीम को इस बार काफी शानदार तरीके से प्लेऑफ की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। पंजाब टीम का पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला गया था। उस मुकाबले में पंजाब की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन उनके सुपरस्टार बल्लेबाज शशांक सिंह ने आकर चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और पंजाब को शानदार जीत दिलाई। पंजाब की टीम 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर है और इस समय इनका नेट रन रेट -0.2 है।
जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर पैट कमिंस के टीम सनराइजर्स हैदराबाद मौजूद है। आपको बता दें हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम चार मैच में दो मुकाबले में जीत हासिल की है, हालांकि दो मुकाबले में हार मिली है। इसलिए हैदराबाद की टीम चार पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है और इस समय इनका नेट रन रेट +0.40 है। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। केएल राहुल की बेहतरीन कैप्टनसी में लखनऊ की टीम अभी तक तीन मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें लखनऊ की टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और दो मुकाबले में जीत में मिली है। लखनऊ की टीम चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है और इस समय इनका नेट रन रेट +0.48 है। जबकि दोस्तों पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। आपको बता दें इनका पिछला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ हुआ था, जिसमें हैदराबाद की टीम ने चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी और चेन्नई को दूसरी हार थमा दी। चेन्नई की टीम अभी तक टोटल चार मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें उन्हें बैक टू बैक दो शानदार जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद खेले गए दो मुकाबले में लगातार चेन्नई को हार मिली। चेन्नई की टीम चार पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है और इस समय इनका नेट रन रेट +0.517 है। जबकि दोस्तों पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स मौजूद है। आपको बता दें गौतम गंभीर जब से केकेआर की टीम में मेंटोर के तौर पर शामिल हुए हैं, तब से केकेआर की किस्मत ही बदल गई है। गौतम गंभीर ने सुनील नारायण से ओपनिंग करवाने की जिम्मेदारी दी और केकेआर का भाग्य तब से बदल चुका है। सुनील नारायण पावर प्ले में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से केकेआर हर टीम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करती है। आपको बता दें केकेआर टीम आईपीएल के इस सीजन में अभी तक टोटल तीन मुकाबले खेल चुकी है और तीनों ही मुकाबले में उन्हें शानदार जीत मिली है। तीन में से तीन मुकाबले जीतने के साथ केकेआर टीम छह पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है और इस समय इनका नेट रन रेट +2.51 है। जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान की टीम आईपीएल के इस सीजन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। बल्लेबाजी यूनिट और गेंदबाजी यूनिट दोनों ही इस टीम के बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम चार मुकाबले में जीत दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें राजस्थान चार में से चार मुकाबले जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में आठ पॉइंट के साथ सबसे ऊपर यानी कि पहले पायदान पर है। तो दोस्तों ये रहा आईपीएल 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट्स टेबल। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।